का लफड़ा सुलझाने के लिए दुबई से कॉल आएगा तुम्हें, चलेगा? कम से कम एक दशक से अपने कराची में बसे भाई के अंडरवर्ल्ड का बिजनेस चलाने वाली हसीना पारकर पर आखिरकार केस दायर हुआ। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट को कोर्ट में सिर्फ इसलिए घसीटा गया है क्योंकि उनके भाई इस देश में मोस्ट वांटेड है, बस। और उन्हीं का नाम लेकर और उन्हीं का बिजनेस चलाकर तो ये एक्सट्रॉशन करती हैं। आपने मेरे भाई के बारे में पढ़ा है? मैंने मेरे भाई को पढ़ा है। वो एक गैंगस्टर था, एक गैंगस्टर है, जिसने ऊपर उठने के लिए किसी भी रिश्ते, चीज या उसूल की अहमियत नहीं रखी। बंबई हमारी है, उसे खरीदने की कोई जरूरत नहीं। एक हफ्ते से उनको वक्त पर खाना मिलता है या नहीं, मेरे बच्चे सही सलामत स्कूल पहुंचते हैं या नहीं, कुछ नहीं पता, क्योंकि मेरी गलती ना होने के बावजूद मैं यहाँ के चक्कर काट रही हूँ। एक हफ्ता क्या, एक महीना आना पड़ेगा अगर बुलाओ तो। ब्लास्ट का इल्जाम है तुम्हारे भाई पर, कोई देशभक्ति के काम का नहीं। पर मेरी क्या गलती है? यही कि तुम उसकी बहन हो। मेरी जिंदगी के हर कदम पे आपके पैरों के निशान है। मुंबई में भाई तो बहुत बने पर आपा सिर्फ एक। लोगों ने इज्जत बख्शी, मैंने कबूल की।